हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक दे विच असी डिस्कस किया सी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नाल रिलेटेड एक्सपैरीमेंट्स, जिस दे विच फोटो इलैक्ट्रिक करंट की वेरिएशन डिस्कस की गई सी विद इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट, विद स्टॉपिंग पोटेंशियल, विद फ्रीकुएंसी। तो असी कुछ ग्राफ प्लॉट्स किए थे। लास्ट दे विच लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन नूं असी डिस्कस किया सीगा। जे तुसी लास्ट लैक्चर नूं जे तक नहीं किया तां उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे रहा हूँ। दिस इज़ द थर्ड लैक्चर ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अज असी डिस्कस करन जा रहे हैं फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्यूरी ऑफ लाइट, कि वेव थ्यूरी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नूं एक्सप्लेन करन दे विच क्यों फेल हो जाती है। जे असी 19th सेंचुरी की गल करिए तो 19th सेंचुरी दे विच वेव थ्यूरी एक्सप्लेन्ड वेरी वैल द फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एंड वेव पिक्चर ऑफ लाइट इज एस्टैबलिश्ड स्ट्रोंगली। कि वेव पिक्चर इस्टैबलिश हो चुकी सी कि लाइट एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है जिस दे विच इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स ओसीलेट करते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है वह कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटड होंगी है ओवर द रीजनस ऑफ स्पेस जिस दे विच वेव एक्सटेंडेड होंगी है। हुण वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग जो असी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो जो सरफेस है वो एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली एबजॉर्ब करेगी, तो जे उसकी इंटेंसिटी ग्रेटर होएगी तो अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ वेव इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी इज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी नाल रिलेटेड है, तो जे असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ करते हैं तो जो फोटो इलैक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी कनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ होनी चाहिए सी। बट असी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट दे विच देखते हैं जो साडियां ऑब्जरवेशन सीगियां कि जो एमिटेड इलैक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि जे असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ करते हैं तो एमिटेड इलैक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ नहीं होंगी। इंटेंसिटी इनक्रीज़ करने के नाल सानू सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने जो है फोटो इलैक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। तो ये ऑब्जरवेशन पहले असं कर चुके हैं। तो देखो जी, असी ग्राफ किया कि असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ किया, जो असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम का मतलब है कि जो कनेटिक एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स की मिटेड इलैक्ट्रॉन्स की वो सेम है। दूसरी गल जी कि जो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एबजॉर्ब हो रही है तो लाइट सरफेस लाइट को एबजॉर्ब कर रही है स्लोली स्लोली, तो उसनों एक टाइम तो जाके उस को सफिशेंट एनर्जी हो जाएगी तो इलैक्ट्रॉन मिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस दे विच कोई मिनिमम फ्रीकुएंसी का रोल भी नहीं होना चाहिए वेव थ्यूरी के अकॉर्डिंग। तो जो असं फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जरवेशन देखते हैं तो अभी उन्हें देखते हैं कि देर इज़ अ मिनिमम फ्रीकुएंसी विच इज़ कॉल्ड थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। ठीक है, तुम इंटेंसिटी जिनी मर्जी इनक्रीज़ करते हो बट जे थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो बिलो फ्रीकुएंसी तुम लै रहे हो तो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होएगा, इलैक्ट्रॉन मिट नहीं होएगा। तो वेव थ्यूरी जी है वो इन दोनों ऑब्जरवेशनस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तो वेव थ्यूरी के अकॉर्डिंग एक तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलैक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंटेंसिटी रिलेट होने चाहिए सी, तो दूसरी गल कोई मिनिमम फ्रीकुएंसी नहीं होनी चाहिए सी। ठीक है, बट असी देखते हैं कि मिनिमम फ्रीकुएंसी भी है तो जो एमिटेड इलैक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जी है जी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव थ्यूरी के अकॉर्डिंग जो लाइट एबजॉर्ब हो रही है सरफेस लाइट को गेन कर रही है, जो इलैक्ट्रॉन मिट नहीं होया तो उसनों होर एनर्जी दो। ठीक है, तो उस को सफिशेंट एनर्जी हो जाएगी तो इलैक्ट्रॉन मिट हो जाएगा। तो इस प्रोसैस के इट कैन टेक आवर्स और मोर फॉर द सिंगल इलैक्ट्रॉन टू पिकअप सफिशेंट एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। ठीक है, जो उस को वर्क फंक्शन नालों ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, बट इस तरह नहीं होंगे। ठीक है, फोटो इलैक्ट्रिक प्रोसैस एक इंस्टेंटेनियस प्रोसैस है कि जे सफिशेंट फ्रीकुएंसी की लाइट उसके उपर स्ट्राइक करेगी तो इलैक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट होएगा। ठीक है, तो वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग जे असी सोचिए कि लाइट अबजॉर्ब हो रही है उसनों उन्नी वर्क फंक्शन जिनी एनर्जी स्लोली स्लोली मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये असी एक्सपैरीमेंटली ऑबजर्व किया है कि फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसैस कि जो लाइट स्ट्राइक करेगी नाल दी नाल इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होएगा जे उसकी फ्रीकुएंसी अबव थ्रैशहोल्ड है, इंटेंसिटी चाहे किन्नी भी लो क्यों नहीं है। थ्री पॉइंट्स है जी जो वेव थ्यूरी दे फेलर्स नूं दसदे है कि वेव थ्यूरी फेल्स टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन।
इस तो अगे असं डिस्कस करते हैं जी आइनसटाइनस फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। इस एलबर्ट आइनसटाइन ने लाइट की एक न्यू पिक्चर जो है डिफाइन की जिसनों असी पार्टिकल नेचर कहने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कि रेडिएशन जो है लाइट है दैट इज़ बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कि जो लाइट है उसनू वेव की बजाए असी इत्थे पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी अज्यूम कर रहे हैं जिसनों क्वांटा कह देंगे जी तो इसनों असी फोटोन भी कह दें जी। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है जे लाइट की फ्रीकुएंसी न्यू है तो उसके कोल एनर्जी होएगी जी क्वांटम को ई इज इक्वल टू एच न्यू वेयर एच इज़ प्लैंक्स कॉन्सटेंट ठीक है न्यू इज़ फ्रीकुएंसी ऑफ लाइट तो एनर्जी होएगी ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। हुण जे सरफेस जिस दे विचों इलैक्ट्रॉन मिट होना है जे वो एच न्यू एनर्जी अबजॉर्ब कर रहा है ठीक है एच न्यू एनर्जी उसनों असी दे रहे हैं वेयर न्यू इज़ ग्रेटर दैन न्यू नॉट जो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी है वर्क फंक्शन फाई नॉट है मतलब उस दे विचों इलैक्ट्रॉन मिट करन लई फाई नॉट एनर्जी चाहिए है तो एच न्यू माइनस फाई नॉट मतलब जे असी ज़्यादा एनर्जी स्ट्राइक कर रहे हैं दैन वर्क फंक्शन तो एच न्यू माइनस फाई नॉट दैट इज़ कनैटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलैक्ट्रॉन इट इज़ मैक्सीम कनैटिक एनर्जी ना उन्हें मैक्सीम लिखा है मैक्सीम का मतलब है कि जे कोई इलैक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है ठीक है इफ इलैक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड तो लैस एनर्जी एमिट होएगा ठीक है जो लूजली बाउंड है तो ज़्यादा एनर्जी एमिट होएगा तो जो एमिटेड इलैक्ट्रॉन है उसकी कनैटिक एनर्जी वेरी कर सकती है फ्रॉम जीरो टू के मैक्सीम। हूँ इस पिक्चर के इंटेंसिटी अभी किमें डिफाइन करा जी इंटेंसिटी की है इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोनस इंसीडेंट पर सैकेंड कि किन्ने फोटोनस स्ट्राइक कर रहे हैं पर सैकेंड जे असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इसका मतलब असी की इनक्रीज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटोनस स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सैकेंड ठीक है नंबर ऑफ फोटोनस स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सैकेंड इनक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनस मिटड पर सैकेंड इनक्रीज़ होंगे उन्हों की एनर्जी चेंज नहीं होएगी इंटेंसिटी एनर्जी के रिलेटेड नहीं है ये पिक्चर बिल्कुल क्लीयरली दिखा रही है कि जो कनैटिक एनर्जी है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीकुएंसी इस दे विच इंटेंसिटी नहीं आ रही जी ठीक है तो इंटेंसिटी वधान नाल नंबर ऑफ फोटोनस इनक्रीज़ होंगे जो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस से तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनस एमिटेड पर सैकेंड इनक्रीज़ होंगे मतलब फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज़ होएगा जो असी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की गल कर रहे थे कि फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट अराइजेज फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन कि एक क्वांटम स्ट्राइक कर रहा है तो एक इलैक्ट्रॉन मिट होएगा जे उसकी एनर्जी अबव थ्रैशहोल्ड है जे उसकी फ्रीकुएंसी अबव थ्रैशहोल्ड है तो कनैटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है जी हम देखो कनैटिक एनर्जी नैगेटिव नहीं हो सकती ठीक है तो जो एनर्जी असी स्ट्राइक कर रहे हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन फाई नॉट और इक्वल टू फाई नॉट। वर्क फंक्शन की असी गल करिए तो वर्क फंक्शन जो है फाई नॉट दैट इज़ रिलेटेड टू थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी एच न्यू नॉट और वी कैन राइट न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट ओवर एच इफ न्यू इज़ लैस दैन न्यू नॉट तो फोटो इलैक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल ठीक है कनैटिक एनर्जी इस एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग जो अभी यूज कर रहे हैं वो नैगेटिव हो जाएगी ठीक है विच इज़ नॉट पॉसिबल। इफ न्यू इज़ ग्रेटर दैन न्यू नॉट इसका मतलब जो क्वांटा स्ट्राइक कर रहा है जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी ग्रेटर है वर्क फंक्शन तो जो रिमेनिंग एनर्जी है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कनैटिक एनर्जी की फॉर्म के एमिट होएगी। एक होर पॉइंट समझने वाला है जी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के जे असी एक क्वांटम स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी किन्नी भी लो क्यों नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमिशन के डिले होएगी फोटोन स्ट्राइक करेगा ऑफ लो इंटेंसिटी विद सफिशेंट एनर्जी क्योंकि एनर्जी फ्रीकुएंसी डिपेंडेंट है एंड फ्रीकुएंसी इज़ अबव थ्रैशहोल्ड सो इलैक्ट्रॉन इंस्टेंटली इमिट होएगा ठीक है। इलैक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन इस तरीके भी डिफाइन कर सकते हैं कि असी लिखा सी कनैटिक एनर्जी मैक्सीम इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट ठीक है कनैटिक एनर्जी मैक्सीम जो है इट डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल इसनों असी कनैटिक एनर्जी मैक्सीम ई वी नॉट लिखा सी ई वी नॉट इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट इस वी नॉट असी जो फाइंड करिए ई इस साइड दे के डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट इज़ इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट ओवर ई। इस इक्वेशन असी मैथमैटिकली इस तरह लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस
सी जिस तरह असी मैथमैटिक्स दे विच स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन करते हुंने आ तां वाई एक्सिस ते असी प्लॉट करते हैं वी नॉट, ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स एक्सिस ते असी प्लॉट कर रहे हैं फ्रीकुएंसी। तो जो असी यह ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये असी ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं ग्राफ, तो साढ़े को स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखो जी, ये ग्राफ असी ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, तो यह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। वाई एक्सिस ते असी प्लॉट कर रहे हैं वी नॉट, एक्सिस ते एक्स एक्सिस असी प्लॉट कर रहे हैं फ्रीकुएंसी, ठीक है। तो एम जो इक्वेशन है इतने नोट करो कि जो एच बाई ई है इट्स एम, इसनों कहते स्लोप। तो यह स्लोप जो है वह एच ते ई एक कॉन्सटेंट वैल्यू है, इसका मतलब तुसी जिहड़ा मर्जी मटीरियल लाओ तो जो स्लोप है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल। एच बाई ई इज़ कॉन्सटेंट, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल। 1906 तो लैके 1916 तक मिलिकन एक साइंटिस्ट से जिसने सीरीज ऑफ एक्सपैरीमेंट्स किते फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट ते बेस्ड इन द एम, ए इस एम ते कि आइनसटाइन का जो फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन है उसनों गलत प्रूव किया जाए जां उसनों चैक किया जाए। इन्हां साइंटिस्ट्स दे विच ना एक कॉम्पीटिशन हुंदा सी, एक हैल्दी कॉम्पीटिशन कि जो गल उसने कही है उसनों चैक किया जाए, उसनों जां गलत प्रूव किया जाए, ठीक है। तो उसने बहुत सारे एक्सपैरीमेंट किए जी मिलकनज ने, तो आइनसटाइन की थ्यूरी नू जो उसकी इक्वेशन है इस इक्वेशन नू रोंग प्रूव करन दे लई उसने स्लोप कैलकुलेट किया सोडियम दे लई। तो जो स्लोप उसने कैलकुलेट किया उस दे विच जो ई दी वैल्यू सी वो पुट करके उसने एच की वैल्यू कैलकुलेट की, तो एच की वैल्यू आई 6.26 इंटू 10^-34 जाउल सैकेंड जो कि प्लैंक्स कॉन्सटेंट की वैल्यू है। तो उस इक्वेशन दे विच जो एल्बर्ट आइनसटाइन ने वैल्यू यूज़ की सी तो वो उस दे नाल बिल्कुल मैच कर रही थी। मिलकन की करना चाहता सी कि आइनसटाइन की थ्यूरी नू डिसअप्रूव करना चाहता सी, बट जो उसने वो रिजल्ट देखे वो रिजल्ट जोड़े है आइनसटाइन की थ्यूरी नू होर ज़्यादा वैलीडेट कर रहे थे, ठीक है, तो उसनों प्रूव कर रहे थे इनस्टैड ऑफ डिसअप्रूविंग इट, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल लाइट की पार्टिकल नेचर जी है वो इस्टैबलिश हुई। तो इस दे लई एल्बर्ट आइनसटाइन 1921 दे विच नोबल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स, तो एल्बर्ट आइनसटाइन नोबल प्राइज़ भी मिलिया, ठीक है, विच इज़ द हाईएसट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो 1923 दे विच मिलकन नोबल प्राइज़ मिलिया, ठीक है, जो एल्बर्ट आइनसटाइन का सी दैट वॉज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्रेटिकल एंड थ्रेटिकल फिजिक्स एंड फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। जो मिलिकन का सी दैट वॉज फॉर एलीमेंटरी चार्ज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो ई की वैल्यू सी जो उसने एक्सपैरीमेंट किया ऑयल ड्रॉप एक्सपैरीमेंट एंड ऑन फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट जो इसने ऑब्जरवेशन होर डिटेल दे विच डिस्कस की उसकी थ्योरी डिसअप्रूव करने लिए एंड ते जाके उसनों प्रूव किया। तो इस चीज़ से बेस्ड जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट स्ट्रोंगली इस्टैबलिश हो गई, ठीक है। तो उस तो बाद विच एक साइंटिस्ट सी कॉम्टा कि पार्टिकल फोटोन ते इलैक्ट्रॉन दे विच इंट्रैक्शन मतलब मैटर दी लाइट दे नाल इंट्रैक्शन ते एक्सपैरीमेंट किते, तो उसने भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नू इस्टैबलिश किया, ठीक है। कॉम्टन इफेक्ट नू भी सिमिलरली असी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ते बेस्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट ऑन वेव पिक्चर ऑफ लाइट। तो हुण जो फोटोन है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसनों असी समअप कर रहे हैं। तो फस्ट पॉइंट है जी इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर कि जो रेडिएशन मैटर के नाल इंट्रैक्ट करती है जिस तरह रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है मैटर से तो रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट। ईच फोटोन हैज़ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जिस तरह से पहले ही दसिया कि फ्रीकुएंसी डिपेंडेंट है, तो उसका जो मोमेंटम है क्योंकि जो असी एच न्यू नू एम सी स्क्वेयर इक्वल कर देंगे ईज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू, तो एक सी नाल डिवाइड कर दियो जी एम सी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, ठीक है। तो एम सी नू असी मोमेंटम कह सकते हैं, एच न्यू बाय सी इज़ मोमेंटम ऑफ फोटोन वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग फ्रीकुएंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैमडा, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा होंगे, ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैमडा, तो इज इक्वल टू एच न्यू है और वी कैन राइट एच सी ओवर लैमडा, ठीक है। तो इस तरीके असी मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी कोई भी होवे वट एवर मे बी द इंटेंसिटी, तो इस पिक्चर के असं डिफाइन करते हैं कि ई इज़ इक्वल टू एच न्यू, फ्रीकुएंस जो एनर्जी है वो फ्रीकुएंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। फोटोन्स आर इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन्स न्यूट्रल है, ठीक है, दे आर नॉट डिफ्लैक्टड बाय इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जो फोटोन ते पार्टिकल दी कोलिजन हुंदी है, ठीक है, टोटल एनर्जी ते टोटल मोमेंटम आर कंजर्वड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट कंजर्व, नंबर ऑफ फोटोन्स वेरी कर सकते हैं, मतलब फोटोन्स की गिनती जो है इनक्रीज डिक्रीज हो सकती है, फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है या एक एक्स्ट्रा फोटोन मिट हो सकता है जी, एनर्जी मिट हो रही है। ये कुछ पॉइंट से जो इस नाल रिलेटेड सी, तो इस तो अगे है जी कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बिल्कुल बेसिक है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है जी, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करो या नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करो जो सर्फेस के उपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी दे नाल रिलेटेड है, न्यू नॉट कैलकुलेट करो, सिंपल फॉर्मूले है जी, फाई नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट एच, तो इन्हों बड़ी ईजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि तुहानू ये टॉपिक जो है जो असी डिस्कस किया है कि फेल्यूअर्स ऑफ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि एल्बर्ट आइनस्टाइन की जो इक्वेशन है किस तरीके नाल फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट नूं एक्सप्लेन करती है, तो जो मिलिकन दे एक्सपैरीमेंट है वो किस तरीके नाल उसनूं वैलीडेट करते हैं, तो बाद विच दोनों नूं नोबल प्राइज़ दे नाल अवार्ड दिता गया, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।